तुम भी रखो विश्वास, क्योंकि तुम हो शिव के दास, नहीं शिव के पास। बहुत अच्छी लगी मुझे, बहुत ब्रिलियंट फिल्म है, बहुत कमाल की फिल्म है, सोशल मैसेज कमाल का, एंटरटेनिंग है, पंकज का काम बहुत ही अच्छा है, सबका, पवन का, पवन मल्होत्रा जी का काम, अक्षय इज फैंटास्टिक, द ट्रीटमेंट इज़ वेरी गुड, अमित राय जिन्होंने डायरेक्ट की है, बहुत अच्छी फिल्म है, मेरी माँ को भी बहुत अच्छी लगी है। और इसकी सक्सेस जो है ना, वो आज सिर्फ बेसिकली हीरो जो हमारी फिल्म के हैं वो स्क्रिप्ट है, और ऑडियंस उसके साथ रिलेट करती है, फुल हाउसफुल था, सब लोग इन्जॉय कर रहे थे, करेक्ट जगह पर तालियाँ पड़ रही थी, मतलब ये मल्टीप्लेक्स की ऑडियंस है, लोग कहते हैं ना कि मल्टीप्लेक्स की ऑडियंस सोफिस्टिकेटेड होती है, सिंगल स्क्रीन की सोफिस्टिकेटेड नहीं होती है, ऐसा कुछ नहीं है, फिल्म अच्छी होती है तो फिल्म जो है दिल से दिल तक पहुंचती है। और मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं कि हाल ही में मैंने गदर भी थिएटर में देखी और आज मैंने OMG थिएटर में देखी, मैं थिएटर में देख के जाना चाहता हूं कि सक्सेसफुल फिल्मों का नतीजा ये क्या है। चार फिल्में सक्सेसफुल जो बहुत हुई हैं, पाँच फिल्में पठान को लेकर, जैसे कश्मीर फाइल्स, केरला स्टोरी और ये दो फिल्में, ये जो OMG और गदर है, ये हिंदुस्तान से जुड़ी हुई कहानियाँ हैं, ये कहानियाँ जो हैं ये कॉमन मैन की है, ये लोगों की है, अंदर की भावनाओं की है, देश की है। अब इसमें भी भोले शंकर के ऊपर है सब कुछ, लेकिन कोई ऐसा फीलिंग नहीं आती कि किसी कोई इसका कोई एजेंडा है, ये टोटल एंटरटेनर्स हैं और लोगों को पसंद आ रही है। जैसा कि आपने बताया कि इस फिल्म को देखने के बाद ऐसी कोई कंट्रोवर्सी वाली फीलिंग नहीं आती, नहीं आती, फिल्म रिलीज होने से पहले ढेरों सारी जो बातें हुई, अब आप फिल्म लाइव देख कर आ रहे हैं तो कुछ बताएंगे आप कैसा कुछ? कोई ऐसा नहीं है कुछ, आई थिंक इट्स मेरे हिसाब से ये आजकल के यूथ के लिए, आजकल के पेरेंट्स के लिए, छोटे शहर के या बड़े शहर के लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म है, सेक्स एजुकेशन पे फिल्म है, और इतने मनोरंजक तरीके से और इतने आसानी से इसको लोगों तक पहुंचाया गया है, ये अवेयरनेस है। आई थिंक ये लोग जो ऑडियंस आ रहे हैं सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं आ रही है, ये अवेयरनेस के लिए भी आ रहे हैं, वर्ड ऑफ माउथ जो है इस फिल्म का बहुत स्ट्रांग है, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट मैंने ये फिल्म थिएटर में देखी।